नमस्कार, हमारे सभी जैन नाई दर्शकों को हमारा दिल से नमस्कार। चूंकि पूरा देश इस समय कल के हुए हादसे में डूबा हुआ है, अभी तक उस शोक से उभरा नहीं, आइए उन्हीं के कुछ पलों को याद करते। वो पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी की यूं अचानक से मृत्यु, और वो भी MI-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश होने से, अपने आप में एक बहुत बड़ी दुखद खबर है। अभी अभी हम सब लोग देख रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और बहुत से बड़े अधिकारी इन सभी वीरों को, इन सभी शहीद सेनानियों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी हाँ, इन्हें वीर योद्धा इसलिए कहा जा रहा है, वीर सेनानी इसलिए कहा जा रहा है कि इन लोगों ने अपने जिंदगी में जो कार्य किए हैं, जो जनरल बिपिन रावत जी ने काम किया है, वाकई काबिले तारीफ है। आने वाले समय में हो सके मिल जाए उनके जैसा व्यक्ति, लेकिन उनके जैसा हिम्मत वाला, उन्होंने जो काम करके दिखाया वो शायद फिर हमें कभी ना देखने को मिले। सबका दिल आंसुओं से भरा हुआ है, आंखें नम है, पूरा देश इस समय शोक में डूबा हुआ है। तो आइए हम और आप मिलके बस 2 मिनट जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और उनके साथ शहीद हुए 11 अन्य लोगों के लिए ईश्वर से दुआ करें। हे ईश्वर, हे प्रभु, हे अल्लाह, आप जिस चीज में विश्वास रखते हो, जिस भगवान में विश्वास रखते हो, उनसे ये प्रार्थना करें कि वो जहां भी हैं उनकी आत्मा को शांति दे। और तो और, हमारे देश में उन लोगों के जैसे वीर एक जाबाज योद्धा फिर से लाए, उनके जैसा सूरवीर शायद ही हमें मिले। लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें। हमारा देश बहुत ही इस समय दुखद परिस्थिति में है, होना भी चाहिए। बिना कारण से मृत्यु होना वाकई बहुत दुखद है, और एक ऐसे व्यक्ति का जो देश की आन बान शान से बढ़ के था, कारगिल का युद्ध हो या फिर पाकिस्तान के खिलाफ वो अटैक हो, वो सेना का हर समय मनोबल बढ़ाना हो, हर चीज याद आएगी रावत सराफ की। अब क्यों छोड़ के चले गए, ऐसा क्यों होता है? उसी हेलीकॉप्टर से हमारे प्रधानमंत्री जी भी अभी केदारनाथ की यात्रा किए थे। खुदा ने खास्ता, भगवान ने करे कि फिर कभी ऐसा हो, फिर कभी ऐसा हो। इसलिए एक बार फिर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोग बिपिन रावत सर की और अन्य 11 वो जाबाज सिपाही और उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना जरूर करें। सैल्यूट है सर आपको हमारा, और पूरी जेएनआई टीम आपको सैल्यूट करता है। आपकी आत्मा के लिए पूरी जेएनआई टीम के तरफ से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सभी देशवासी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अब जहां भी हैं आपकी आत्मा शांत रहे, अब फिर इस देश में आए, नया रूप लेके आए, हमारे बीच आए और देश का आगे बढ़ाने में मदद करें। जय हिंद, जय भारत।